पश्चिमी यूपी के जाट बेल्ट को 2022 की सत्ता के लिए सबसे अहम माना जा रहा है, क्योंकि किसान आंदोलन के बाद सरकार की तरफ से किसानों को मनाने की पूरी कोशिश की गई है और केंद्र सरकार ने कृषि कानून वापस भी लिए। आखिर मुजफ्फरनगर की जनता का नतीजों से पहले क्या कुछ कह रहे हैं, आइए देखते हैं संवाददाता अक्षय ठाकुर की यह खास रिपोर्ट। 2022 विधानसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है, जिसकी मतगणना कल 10 मार्च को होगी, जिसके आम नागरिकों में बहुत उत्साह है कि कौन मुख्यमंत्री इस बार उत्तर प्रदेश का बनेगा। इस बार इस उसके मन में साथ कुछ नागरिक हैं, हम उनसे बात करेंगे कितना उत्साह इस बार आम नागरिकों में। जी बाबूजी, आपका नाम? सुशील सिंगर। सुशील जी, कल मतगणना होनी है, यूपी का मुख्यमंत्री मुखिया तय होना है, क्या लगता है, क्या योगी जी आएंगे दोबारा? योगी जी आएंगे 100%। और सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, विपक्ष कह रहा है सब झूठे हैं, क्या कहना चाहेंगे एग्जिट पोल? नहीं, विपक्ष तो कहेगा, जो हारता है आदमी यही कहेगा, और क्या कहेगा? भाई जो हार रहा है वो यही कहेगा, कल को हमारी शहरी सीट ये 100% जीतने वाली है, हम सदर की सीट जीते हैं, पर विपक्ष वाले ये कह रहे हैं कहने गड़बड़ी होगी, ये होगी, वो होगी, उनका तो कहना है, उनका कहना है सिर्फ की गड़बड़ी होगी। हाँ, उनका कहना है। हमारे साथ कुछ और नागरिक हैं, उनसे बात करेंगे। आपका नाम? अमित। अमित जी, कल 2022 जो का चुनाव है उसका परिणाम आना है, मतगणना होनी है, क्या लगता है, कितने उत्साह आम नागरिक? बीजेपी जीतेगी 100%, योगी जी की सरकार बनेगी और 11 तारीख के बाद फिर बुलडोजर चलेगा। बिल्कुल चलेगा, जितने माफिया जो बचे हैं वो सब जेल के अंदर जाएंगे। तो लेकिन विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी गड़बड़, विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है, अब उन्हें और कुछ नहीं मिला, उन्हें लग रहा है कि हमारी हार हो रही है, वो कह रहे हैं अब ईवीएम में गड़बड़ी है, ढाक के तीन पात, कुछ बहाना नहीं है तो कह दो ईवीएम में गड़बड़ी है, जबकि उनके बंदे सब मतगणना स्थल पर जहां मशीन रखी हुई है वहां बैठे हैं, तो गड़बड़ी कैसे होगी? आम नागरिकों में किस तरह का उत्साह है? आम नागरिक तो बहुत खुश है, कल होली बनेगी 17 तारीख से पहले। हमारे साथ कुछ और नागरिक है, हम उनसे बात करेंगे, किस तरह का उत्साह है? आपका नाम? अंकुर जैन। अंकुर जी, किस तरह का उत्साह है? नागरिकों में बहुत ज़बरदस्त उत्साह है, योगी जी की सरकार दोबारा आ रही है, विपक्ष ईवीएम का रोना रोता है। मैं विपक्ष से एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर ईवीएम में हम लोग गड़बड़ी करा सकते सत्ता पक्ष, तो हम पश्चिम बंगाल क्यों नहीं जीते, हम पंजाब क्यों नहीं जीत रहे? तो ये सब उनकी जो है कहानियाँ हैं और दंगा फैलाने की जो है उनकी साजिश है। योगी जी दोबारा बन रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं और पूर्ण बहुमत से बन रहे हैं। किस तरह का उत्साह कल के लिए है कि कल उत्तर प्रदेश के मुख्य तय होने हैं? कल की जो जीत और हार है वो पूर्णतः जो है जनता की जीत हार है, जनता ने जो है मुख्यमंत्री को जो है दोबारा मौका दिया है, उन्होंने बहुत काम किए हैं, विकास भी किया है उन्होंने और जो है गुंडागर्दी भी ख़त्म की है, उनसे किसी भी तरह की जनता को कोई शिकायत नहीं है। कोई शिकायत नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जो विपक्ष है वे लगातार कह रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो चुकी है, एग्जिट पोल को गलत बता रहे हैं, यहाँ की जो मशीनें हैं वो गुड़मंडी रखी गई हैं, और मैं सवेरे गुड़मंडी घूमने जाता हूँ तो चारों तरफ से जो है विपक्ष ने जो है अपना पूर्ण रूप से पहरा बैठा रखा है 24 घंटे के लिए, किस तरह से गड़बड़ी कर देंगे वो, नहीं हो सकती, ये सब उनका रोना है, उन्हें अपनी हार निश्चित दिख रही है, इसलिए जो है वो ईवीएम का रोना रो रहे हैं। हमारे साथ कुछ और व्यापारी हैं, हम उनसे बात करेंगे। आपका नाम? मुदित जैन, नई मंडी सेक्रेटरी। मुदित जी, क्या लगता है कल मतगणना है, 2022 का चुनाव का निर्णय होगा और मुखिया तय हो गए उत्तर प्रदेश? मुखिया जी तो योगी जी आएंगे जी, और कोई नहीं आ सकता, योगी जी आएंगे 100% आएंगे। लेकिन जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उनसे विपक्ष है वो लगातार कह रहा है कि ये गलत है। तो विपक्ष तो कहता ही है ना गलत है, नहीं आएंगे योगी जी, आएंगे योगी जी 100% आएंगे योगी जी। आम नागरिक किस तरह की उत्सुकता है कल के लिए? कल की तैयारी, बीजेपी ने तैयारी कर दी है कल के लिए, जीतेगी, यहाँ की सीट भी जीतेगी और योगी जी भी जीतेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही बने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही बनेंगे। ये हमारे साथ थे मुजफ्फरनगर के व्यापारी, जिन्होंने बताया कि कल की तैयारी हो चुकी है, बीजेपी 101% जीत रही है और मुख्य जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ ने दोबारा मुख्यमंत्री बनना है और कल दोबारा होली खेली जाएगी। अक्षय ठाकुर, जनतंत्र टीवी, मुजफ्फरनगर। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।